हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग पढ़े थे एनालिसिस में। प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़े थे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना कैसे निकालेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इन सारे बातों पे हम लोग चर्चा किए थे। अब हम बात करेंगे डिजाइन के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप लोग हेडिंग दीजिएगा डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बाई WSM। प्यारे बच्चों, WSM मतलब वर्किंग स्ट्रेस मेथड से किसी सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का कैसे डिजाइन करेंगे वो हम देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको यह समझना है कि डिजाइन का मतलब क्या होता है। प्यारे बच्चों, किसी भी स्ट्रक्चर के डिजाइन का मतलब होता है उसके डायमेंशन को कैलकुलेट करना। अगर बीम है तो बीम का डायमेंशन होगा विड्थ एंड डेप्थ। तो आपको विड्थ एंड डेप्थ बताना क्या हो जाएगा, डिजाइन। बट ये RCC स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों, इसीलिए इसमें एरिया ऑफ स्टील, नंबर ऑफ स्टील बार ये भी बताना होगा। अगर आपको किसी सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का डिजाइन करने आ रहा है क्वेश्चन में, तो आपको क्या क्या बताना होगा, उसके डायमेंशन दैट मींस विड्थ एंड डेप्थ के बारे में, और आपको बताना होगा एरिया ऑफ स्टील कितना प्रोवाइड करेंगे उसके बारे में भी बताना होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ये बात करेंगे डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बाई WSM अगर देता है तो क्या क्या गिवेन डाटा होगा और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो गिवेन डाटा होगा आपके पास, गिवेन डाटा में प्यारे बच्चों होगा आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट मतलब M समथिंग दिया रहेगा, ग्रेड ऑफ स्टील, नेक्स्ट लोड के बारे में दिया हुआ रहेगा, क्लियर स्पैन दिया हुआ रहेगा। इतना बात आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आपको सिंगली रेनफोर्स्ड बीम डिजाइन करने के लिए दे रहा है तो आपको गिवन डाटा में क्या क्या दिया रहेगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील, लोड एंड क्लियर स्पैन। अब इसके बाद आपको इस दिए गए डाटा को आपको डिजाइन करना है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो हम आपको प्रोसीड्यूर बताएंगे, जो हम आपको स्टेप बताएंगे डिजाइन करने के लिए, उस स्टेप को क्या करना है, फॉलो करना है, और आपका न्यूमेरिकल बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, तो स्टेप नंबर वन में करना है एज्यूम इफेक्टिव डेप्थ। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको इफेक्टिव डेप्थ एज्यूम करना है। तो बात यह उठता है प्यारे बच्चों, एज्यूम्ड कैसे करेंगे, क्या तरीका है एज्यूम्ड करने का। तो देखिए प्यारे बच्चों, डी एज्यूम जब करना होगा, एज्यूम्ड करना होगा, तो आपको जो क्लियर स्पैन दिया हुआ रहेगा, क्लियर स्पैन स्मॉल एल, उसका 1/10 से लेकर L/15 तक लेना होगा। सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा प्यारे बच्चों, वो स्टेप होगा इफेक्टिव डेप्थ को एज्यूम करने का। इफेक्टिव डेप्थ एज्यूम करने का क्या तरीका होगा, तो L/10 से L/15, जहां पे L आपका क्या है, क्लियर स्पैन, ठीक है। चलिए दूसरा स्टेप है कैलकुलेट इफेक्टिव लेंथ। दूसरा स्टेप है प्यारे बच्चों, इफेक्टिव लेंथ को कैलकुलेट इफेक्टिव लेंथ। अब देखिए प्यारे बच्चों, इफेक्टिव लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो केस वन अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तब। देखिए प्यारे बच्चों, मान लेते हैं ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो प्यारे बच्चों, क्लियर स्पैन क्या होता है, इनर टू इनर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट, यही है आपका क्लियर स्पैन,
तो इफेक्टिव लेंथ क्या होता है प्यारे बच्चों, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या कहलाएगा, इफेक्टिव लेंथ। तो आप प्यारे बच्चों सोच के बताइए इफेक्टिव लेंथ क्या होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम बोले कि इफेक्टिव लेंथ बराबर क्लियर स्पैन प्लस क्लियर स्पैन प्लस आधा विड्थ ऑफ सपोर्ट प्लस आधा विड्थ ऑफ सपोर्ट, तो क्या हो जाएगा, पूरा विड्थ ऑफ सपोर्ट, पूरा विड्थ ऑफ सपोर्ट। तो प्यारे बच्चों एल इफेक्टिव निकालने का तरीका क्या है, क्लियर स्पैन प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट, किस केस में, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। बट आपका आईएस कोड 456 क्या कहता है, एल इफेक्टिव निकालने का तरीका एल प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट तो कीजिए ही कीजिए, प्लस एल प्लस इफेक्टिव डेप्थ भी कीजिए। इफेक्टिव डेप्थ यहां पे कौन सा लेंगे, आपका यहां पे जो एज्यूम्ड किए थे, है ना, दोनों में जो मिनिमम होगा, विच एवर इज मिनिमम, विच एवर इज मिनिमम। देखिए प्यारे बच्चों क्या बोला, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इफेक्टिव लेंथ निकालने का फॉर्मूला होगा एल प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट या एल प्लस डी, दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगा, दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगा वही आपका इफेक्टिव लेंथ होगा सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में, ठीक है ना। चलिए अब इसी को आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, केस टू, केस टू है प्यारे बच्चों फोर कैंटिलीवर बीम, फोर कैंटिलीवर बीम, फोर कैंटिलीवर बीम। देखिए प्यारे बच्चों कैंटिलीवर बीम के केस में, कैंटिलीवर बीम के केस में क्या होगा, मान लीजिए प्यारे बच्चों ये कोई कैंटिलीवर बीम है प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, और ये डिस्टेंस हो जाएगा क्लियर स्पैन, दैट मींस क्लियर स्पैन, है ना। तो आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों इफेक्टिव लेंथ बराबर क्या होगा, क्लियर स्पैन। अब देखिए इसमें क्या है, आधा विड्थ ऑफ सपोर्ट ही जा रहा है, तो विड्थ ऑफ सपोर्ट बाई टू, विड्थ ऑफ सपोर्ट बाई टू, इफेक्टिव स्पैन निकालना है तो क्लियर स्पैन प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट बाई टू। फिर आईएस कोड क्या बोलता है कि नहीं सिंपली ऐसे नहीं करना, एल इफेक्टिव बराबर होगा एल प्लस डी बाई टू। अब दोनों में जो मिनिमम होगा, दोनों में जो मिनिमम होगा, दोनों में जो मिनिमम होगा वही आपका इफेक्टिव लेंथ होगा कैंटिलीवर बीम के केस में। चलिए प्यारे बच्चों तो स्टेप वन और स्टेप टू आपको समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कीजिए, इसको मिटाएंगे, नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों हम तीसरे तीसरे स्टेप की ओर चलेंगे। देखिए प्यारे बच्चों स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री है सर, कैलकुलेट द टोटल लोड। क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल लोड एक्टिंग ऑन द बीम, एक्टिंग ऑन द बीम। देखिए प्यारे बच्चों अब क्या करना है, कैलकुलेट द लोड एक्टिंग ऑन द बीम। तो हमने क्या बोला था, लोड तो दिया हुआ रहेगा, फिर कैलकुलेट क्यों करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों जो लोड दिया रहेगा वो अलग अलग दिया रहेगा, डेड लोड अलग दिया रहेगा, लाइव लोड अलग दिया रहेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, सबको जोड़ना है। मान लीजिए प्यारे बच्चों डेड लोड दिया हुआ रहेगा, जोड़ दीजिएगा, जोड़ क्या मतलब रख दीजिएगा, लाइव लोड रहेगा तो उसको रख दीजिएगा। अगर आपके डेड लोड में नहीं बोलता कि सेल्फ वेट इंक्लूडिंग, अगर आपके डेड लोड में ये बात नहीं लिखता है सेल्फ वेट इंक्लूडिंग, तो आपको सेल्फ वेट भी निकालना होगा। क्या निकालना होगा, सेल्फ वेट, सेल्फ वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गामा बीडी, क्या हो जाएगा, गामा बीडी, है ना, यूनिट वेट इनटू बी इनटू डी। यूनिट वेट किसका, कॉन्क्रीट का, यूनिट वेट आरसीसी स्ट्रक्चर का कितना होता है, तो 25 किलो न्यूटन
पर मीटर क्यूब। सेल्फ वेट कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, गामा बी इंटू डी, गामा इंटू विड्थ इंटू डेप्थ, ठीक है ना। गामा आर से कितना हो जाएगा 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, इसको आपको याद रखना होगा। कभी कभी प्यारे बच्चों अगर कैपिटल डेप्थ नहीं पता रहता है तो स्मॉल डेप्थ से ही काम चला लेते हैं। अब तीनों को ऐड कर लेंगे प्यारे बच्चों तो आपका निकल जाएगा टोटल लोड, टोटल लोड डब्लू निकल जाएगा, ठीक है ना, टोटल लोड डब्लू, ठीक है प्यारे बच्चों। तीसरा स्टेप समझ में आया, अब देखेंगे स्टेप नंबर फोर। स्टेप नंबर फोर है प्यारे बच्चों कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट या कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो प्यारे बच्चों अब क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि जनरली बीम पे यूडीएल लोड लगता है, तो यूडीएल लोड के कारण डब्ल्यू एल स्क्वायर या एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर, डब्ल्यू एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर बाई टू, एक इसके केस में सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लोड लग रहा है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, यहाँ पे एल जो लेना है इफेक्टिव लेंथ लेना है। अगर कैंटिलीवर बीम है प्यारे बच्चों तो आपका कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर बाय टू, ये आपका होगा कैंटिलीवर बीम के केस में, कैंटिलीवर बीम के केस में। अभी आपको कंटिन्यूअस बीम और फिक्स्ड बीम के बारे में यहां पे नहीं देखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। मेनली आपको क्या देखना है, सिंपली सपोर्टेड बीम एंड कैंटिलीवर बीम के केस में। तो कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है ना। स्टेप नंबर फोर ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप है प्यारे बच्चों स्टेप नंबर फाइव। स्टेप नंबर फाइव है कैलकुलेट रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ बीम। प्यारे बच्चों पहला स्टेप में हम लोग निकाले थे, क्या निकाले थे प्यारे बच्चों, एज्यूम्ड डेप्थ। अब हम निकालने जा रहे हैं रिक्वायर्ड डेप्थ। तो देखिए प्यारे बच्चों रिक्वायर्ड डेप्थ कैसे निकलेगा, बेंडिंग मोमेंट जो मैक्सिमम आप निकाले हुए हैं उसको एम आर के बराबर कर दीजिएगा। बेंडिंग मोमेंट हम पहले ही निकाल चुके हैं, उसको एम आर के बराबर कर दीजिएगा। एम आर का फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा हाफ सिग्मा सी बी सी इंटू एक्स सी इंटू बी डी माइनस डी रिक्वायर्ड, डी रिक्वायर्ड माइनस एक्स सी बाई थ्री, डी रिक्वायर्ड माइनस एक्स सी बाई थ्री। जैसे ही आप प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला लगाइएगा तो आपको यहां से निकल जाएगा डी रिक्वायर्ड, क्या निकल जाएगा डी रिक्वायर्ड, आपको यहां से फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहां देखिए प्यारे बच्चों यहां पे दो डी निकल गया ना, एक रिक्वायर्ड, पहला स्टेप में हम लोग माने थे एज्यूम। आपको देखना होगा इफ रिक्वायर्ड डेप्थ क्या आ गया, ज्यादा आ गया, क्या गया ज्यादा आ गया एज्यूम्ड से, तो वो अनसेफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, अनसेफ बीम, और अनसेफ को क्या करना होगा रीडिजाइन, क्या करना होगा प्यारे बच्चों रीडिजाइन। अगर डी रिक्वायर्ड कम आ गया किससे, एज्यूम्ड से, तो आपका क्या हो जाएगा सेफ हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए प्यारे बच्चों एज्यूम्ड और रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके घर में कोई पार्टी है, आपके घर में पार्टी है, आप कैलकुलेशन किए कि हमारे घर में 200 आदमी आएगा पार्टी में, तो 200 आदमी का आप लोग खाना बनाए हैं ना, तो 200 आदमी का जो प्यारे बच्चों आप लोग खाना बनाए हैं, अगर आप तो एज्यूम्ड किए हैं ना 200 आदमी तो आप एज्यूम्ड किए हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों आ जाए पार्टी में 300 आदमी, एज्यूम्ड किए थे कम और आ गया ज्यादा, अब आ जाएगा ज्यादा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, मामला जाएगा फंस, मामला क्या हो जाएगा फंस जाएगा, दैट मीन्स अनसेफ में चले जाइएगा। अगर आप कम एज्यूम्ड किए हैं और जरूरत ज्यादा है तो आप अनसेफ हो जाइएगा। अब मान लीजिए प्यारे बच्चों आप एज्यूम्ड कर लिए थे 200 आदमी और आया 150 ही आदमी, मतलब एज्यूम्ड हम ज्यादा किए थे और रिक्वायरमेंट कम है, तो आप सेफ हमें हैं, बात समझ में आया। सेम बात यहां है, अगर रिक्वायर्ड जो है, जो रिक्वायर्ड हमने यहां निकाला था वो ज्यादा आ गया प्यारे बच्चों तो वो अनसेफ हो जाएगा, उसको रीडिजाइन करना पड़ेगा, और अगर डी रिक्वायर्ड कम आ गया डी एज्यूम से तो वो सेफ है ना। चलिए नेक्स्ट स्टेप नंबर फाइव के बाद प्यारे बच्चों स्टेप नंबर सिक्स।
कैलकुलेट द या डेटा, अच्छा ठीक है, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ बीम। अब आपको बीम के डायमेंशन के बारे में बता देना है। देखिए प्रोवाइडेड, अब डी प्रोवाइड कितना करेंगे, डी रिक्वायर्ड से ज्यादा, डी रिक्वायर्ड से क्या कीजिएगा, डी रिक्वायर्ड प्लस, मतलब डी रिक्वायर्ड से ज्यादा कीजिएगा, या कभी कभी डी एज्यूम्ड के बराबर ही कर देते हैं, डी एज्यूम्ड के बराबर। बात समझ में आया, जो प्रोवाइड करेंगे, हमने डिजाइन किया, डिजाइन करने के बाद डी निकाला, जो डी निकाले उससे थोड़ा सा ज्यादा या डी एज्यूम्ड के बराबर, अगर सेफ है तो। और विड्थ जो होगा, बी प्रोवाइड मतलब विड्थ कितना प्रोवाइड कीजिएगा, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा तो जितना आप प्रोवाइड किए हैं ना डी, इफेक्टिव डेप्थ जितना प्रोवाइड कर रहे हैं उसका आधा। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है तो जनरली प्रोवाइडेड इफेक्टिव डेप्थ का आधा हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये तो डायमेंशन निकल गया प्यारे बच्चों। स्टेप नंबर 7, कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील, कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील। अब क्या कीजिएगा, एरिया ऑफ स्टील में प्यारे बच्चों एमआर बराबर या बेंडिंग मोमेंट बराबर एमआर, बेंडिंग मोमेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो एमआर का फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा, सिग्मा एसटी इनटू एएसटी डी प्रोवाइड माइनस एक्सी बाई थ्री। इस फॉर्मूला से प्यारे बच्चों आपका एएसटी आ जाएगा, एएसटी आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन कीजिए, इसको पहले नोट डाउन कीजिए, दो स्टेप और है। स्टेप नंबर 8, कैलकुलेट नंबर ऑफ बार, कैलकुलेट नंबर ऑफ बार। प्यारे बच्चों अब आपको निकालना होगा कितना नंबर ऑफ स्टील उसमें प्रोवाइड बीम में करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे बोले कि 2 रुपया में एक पेन, तो बताओ बाबू 10 रुपया में कितना पेन, 2 रुपया में एक पेन तो 10 रुपया में कितना पेन। आप खर्च ना बोलिएगा 5 पेन, अगर 2 रुपया में एक पेन देता तो 10 रुपया में कितना पेन देगा, 5 पेन देगा। कैसे बोलते हैं प्यारे बच्चों, देखिए आप नंबर ऑफ पेन कैसे निकाले, देखिए तो नंबर ऑफ पेन निकालने के लिए टोटल दाम को ऊपर रखें और एक कलम के दाम को नीचे रखें, टोटल प्राइस को ऊपर रखें और जितना एक कलम का दाम था उसको नीचे रखें, डिवाइड किए तो नंबर ऑफ पेन निकल गया। उसी प्रकार से कैलकुलेट द नंबर ऑफ बार कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ बार होगा टोटल स्टील, टोटल एरिया ऑफ स्टील, टोटल एरिया ऑफ स्टील बटे एरिया ऑफ वन स्टील बार, टोटल एरिया ऑफ स्टील जैसे टोटल बटे एरिया ऑफ वन स्टील बार। तो प्यारे बच्चों टोटल एरिया ऑफ स्टील तो अभी हम निकाले थे यूनिट ए, स्टेप नंबर 7 में कितना आया था एएसटी, कितना आया था एएसटी। मान लेते हैं प्यारे बच्चों वन स्टील बार का एरिया जो है एएसटी है, कितना है एएसटी, अब वो कैसे निकलेगा, तो एएसटी वन स्टील का एरिया कैसे निकलेगा, पाई बाई 4 × 5² फाई को आपको एज्यूम करना पड़ेगा, कितना एज्यूम कीजिएगा, तो जनरली एज्यूम करने का जो तरीका है 16 से 25 तो आपको नंबर ऑफ बार भी निकल जाएगा, ठीक है ना। अब ये बताइए प्यारे बच्चों, तो डिजाइन का मतलब हमने क्या बताया था, डिजाइन का मतलब हमने बताया था डायमेंशन बताना और आपका नंबर ऑफ बार बताना, एरिया ऑफ स्टील बताना, तो वो हमने सारा कुछ बता दिया। स्टेप नंबर 7 में हमने बताया डायमेंशन निकालने के लिए और स्टेप नंबर 8 में एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए, है ना। चलिए अब स्टेप नंबर लास्ट देखेंगे, स्टेप नंबर 9, स्टेप नंबर नाइन में है प्यारे बच्चों, ड्रॉ द सेक्शन ऑफ बीम, ड्रॉ द सेक्शन ऑफ,
अब क्या करना है, जो बीम आप डिजाइन किए हैं उसके क्रॉस सेक्शन को ड्रॉ कर देना। कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आप यहां पे विड्थ को दिखा देंगे जो कि आप निकाल चुके हैं स्टेप नंबर 6 या 7 में। फिर देखिए प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ बार भी आप निकाल चुके हैं। मान लीजिए 4 बार है तो 4 को दिखा दीजिएगा, 3 रहेगा तो 3 को दिखा दीजिएगा, 5 या ज़ूम्ड किए हुए हैं तो इस तरह से दिखाइएगा। मान लीजिए 4 को है प्यारे बच्चों तो 4 से एन बार लिख देते हैं, एन है तो एन इंटू 5 mm का इस तरह से दिखा दीजिएगा। फिर उसके बाद आपने इफेक्टिव डेप्थ निकाला था तो इफेक्टिव डेप्थ भी आप यहां पे दिखा दीजिएगा, तो ये आपका डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसके बाद भी अगर आप टोटल डेप्थ बताना चाहते हैं प्यारे बच्चों तो टोटल डेप्थ भी बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल डेप्थ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी प्लस क्लियर कवर प्लस 5/2। आपको अगर याद होगा तो डी बराबर हो गया प्यारे बच्चों, डी तो हम निकाल चुके हैं, क्लियर कवर आपको एज्यूम करना होगा, जनरली 25 mm एज्यूम करते हैं, कितना 25 mm। 5 तो ऑलरेडी हमने एज्यूम कर चुके हैं तो 5 पता है, क्लियर कवर भी एज्यूम करेंगे 25 mm और डी भी हम निकाल चुके हैं तो टोटल डेप्थ भी हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम किसी भी सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का डिजाइन करेंगे बाय WSM मेथड, ठीक है ना। अब इस स्टेप को सर जी क्वेश्चन के माध्यम से इसको फॉलो करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से इसको फॉलो करेंगे कि कैसे इस स्टेप को, बट याद रखिएगा प्यारे बच्चों पहला स्टेप क्या था, जो सारा स्टेप सीरियल वाइज याद रखिएगा, जैसे जैसे स्टेप 1 में है, 2 है, 3 है, 4 है, उसी प्रकार से आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। कभी कभी प्यारे बच्चों क्वेश्चन में बेंडिंग मोमेंट ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, तो ये बताइए प्यारे बच्चों हमने टोटल लोड निकाला था, इफेक्टिव लेंथ निकाला था, किस लिए, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए तो निकाले थे। बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, WL²/8। तो प्यारे बच्चों इफेक्टिव लेंथ हमने क्या निकाला था, टोटल लोड किस लिए निकाला था, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर बेंडिंग मोमेंट क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा तो स्टेप नंबर 1, 2, 3 गायब हो जाएगा, मतलब एज्यूम्ड भी नहीं करना इफेक्टिव डेप्थ को, कैलकुलेट द लोड नहीं करना है, कैलकुलेट द इफेक्टिव लेंथ नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये सब काम हम बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए कर रहे थे और क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। बात समझ में आ गया, तो चलिए प्यारे बच्चों अगले क्लास में हम इस डिजाइन पे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।